My very good friend, I should say, and always supportive like a family, Aarti Singh, over to you. I will not speak much. As he said, he's our family. English, Hindi mein bol sakte hain. And honestly, वैसे तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ईजी होता है इंडस्ट्री में आ जाना. आई डोंट थिंक सो. बहुत स्ट्रगल होता है. आप चाहे जैसी भी फैमिली से बिलोंग करें, चाहे नामी फैमिली से करें, बट कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म देना और उनकी मदद करना, उनको ग्रूम करना. और ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग ये सपने लेकर आते हैं कि वो मुंबई आएँ और अपना टैलेंट दिखाएँ. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट परमल और ब्लैक कैनवस ने ये इनिशिएटिव लिया है. और लोगों को जरिया नहीं मिलता है और ये जरिया बने हैं. एंड सो अमेजिंग. एंड ही इज़ अ नाइस पर्सन. सो आई एम श्योर दे आर इन अ वेरी गुड हैंड्स एंड वो बहुत कुछ सीख के जाएंगे. एंड ऑनेस्टली मुझे किसी ने बीच में आपके ही उस पर कोई आया था एक ऑडिशन के लिए, तो उसने मुझे पूछा था कोई वर्कशॉप के लिए. सो आई सेड ही इज़ अमेजिंग. आई एम एसोसिएटेड विद हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम. आई एम सो हैप्पी. एंड आई एम हैप्पी शी इज़ हियर टुडे. मैं क्वेश्चन तो बहुत इजी करूँगी बिकॉज मुझे लगता है कि क्वेश्चन करके उनको नर्वस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड बिकॉज वो अभी नए नए हैं, वो आए हैं, तो अभी वो टैलेंट पे ध्यान दे रादर देन हमारे क्वेश्चंस पे. सो दैट्स इट उनके ड्रीम्स के बारे में. ऑनेस्टली मैं फलक मेरी दोस्त है. जब से फलक निकली है मैंने बिग बॉस नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता. मैं नहीं जीती ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन जीतता है कौन जीतता. जो क्वालिटीज मैं देख रहा हूँ, आई बी लुकिंग फॉर हाउ दे फोटोग्राफ, हाउ दे मतलब किस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, क्योंकि जब वो कमर्शियल वर्ल्ड में काम करने जाएंगे, जिस तरह से वो डायरेक्टर्स और एड्स करेंगे या फोटोशूट्स करेंगे, किस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस लेके वो अपने यू नो हाउ दे यूज दोज इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ दे परफॉर्म. जो विजन होता है फोटोग्राफर और जो एड फिल्म मेकर और डायरेक्टर का, वो विजन को दे हैव टू ब्रिंग इट अलाइव. सो दैट क्वालिटी हैज़ टू बी अ लॉट टू डू विद कॉन्फिडेंस, विद अ लॉट टू डू विद सेल्फ, द प्रेजेंस दैट दे हैव इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, प्रेजेंस दे हैव इन फ्रंट ऑफ द स्टेज, किस तरह से वो बात करते हैं, किस तरह से ओवरऑल वॉक करते हैं. सो आई विल बी लुकिंग एट अ ओवरऑल पैकेज फॉर द परफेक्ट फेस. So we've been doing this for the second year. I've known him much before that as well. We worked together, and so it's great fun. It's good to be back, and it's happening in person this time. Pichli baar humne online judging kiya tha, but is baar it's exciting to be right in the middle of everything and watch it live. I think being able to photograph well, जिस तरह से उनका body language होता है, confidence होता है, वो important factor हो जाता है. क्योंकि काफ़ी लोग in person they look good, but how they perform in front of the camera, जिस तरह से वो instructions लेते हैं, जिस तरह से वो photograph को life डालते हैं, photograph में life डालते हैं, I think that's important for a model, that's important for a person in front of the camera to perform well. गलत जगह खड़े हो आप, इधर खड़े रहो, इधर देख के जवाब देंगे इनको. जवाब बोलो बोलो बोलो. ओएमजी सीजन 2 कितने एक्साइटेड है. साशो जी इस ऑफ द ईयर के लिए और इनको भी आना. सॉरी. हां जी. सो आई डोंट थिंक इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है. हमारे वेटरन गुरुजी एक्टर, आप बेस्ट एक्टर आई शुड से, मीर भाई इज हियर एज अ पार्ट ऑफ फैमिली एंड सपोर्टिंग ऑलवेज OMG फेस ऑफ द ईयर. टैलेंट के लिए उनको हमेशा एक अलग ही प्यार है, और वो बोलते हैं हमेशा टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए.
और अभी अभी उनकी नई मूवी जो आई है कल आने वाली है गदर 2, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज हियर ऑन दैट बिहाफ ऑल्सो एंड ही इज अ पार्ट ऑफ आवर ज्यूरी एज वेल. सो मीर भाई, क्या कहना चाहेंगे फेस ऑफ द ईयर में, क्या क्वालिटी देख रहे हैं? सबसे पहले तो परिमल जी के जितने भी इवेंट्स होते हैं, बिकॉज आई बीन वॉचिंग देम क्लोजली फ्रॉम पिछले 3-4 साल से. OMG पार्ट 1 जब हुआ था तब भी मैं गया था, और उसके अलावा भी कैलेंडर शूट्स, आई वाज पार्ट ऑफ द पिछला कैलेंडर शूट आल्सो. इनका हर इवेंट लाजवाब होता है, इट्स ऑलवेज लिटिल बेटर देन द प्रीवियस वन. और आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर OMG सीजन 2 एज वेल, क्योंकि OMG सीजन 1 में भी मैंने वो पूरा डॉक्यूमेंट भी किया था, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड भी किया था. आई सॉ द वे ऑफ ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग. सबसे ख़ास बात ये होती है कि जो भी लड़का लड़की मेंटर ये करेंगे, उनका करियर बहुत अच्छा आगे जाने वाला है. बिकॉज बहुत सारे लोग हवा में बात करने वाले होते हैं. आई हैव सीन पीपल, आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 24 ईयर्स. और 99 में मैंने मॉडलिंग करियर ही शुरू किया था दिल्ली में. एंड आई हैव सीन so many people who just pretend to be somebody who know all everything, but kahin na kahin zameen par they like, you know, ground level par they just say ki, like, you know, hawaii knowledge hoti hai. That's not a practical knowledge. Theory aur practical mein fark hota hai. And once you put it in practice, kagaz pe likh ke dena aur kitab se padh ke padhna, but once you groom them and give them examples, live examples, तो उस चीज़ से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है एक एक्टर का, एक मॉडल का, जो भी अभी OMG फेस ऑफ द ईयर बनने वाले हैं. हाय एवरीवन, सो दिस इज़ पूजा और मैं आई हूँ यहाँ पे आज वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन इवनिंग्स जिसका नाम है OMG फेस ऑफ द ईयर. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. यहाँ का एम्बियंस मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. और मैं जोश को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी जो मुझे यहाँ पर उन्होंने इन्वाइट किया. And I'm so much glad to be here. Thank you. Thank you so much. Well, I have been training contestants for a long time, and it was really a pleasure to train the contestants to pose and how to walk the ramp yesterday. It's going to be quite a difficult decision because there are many, many of them who are very, very good. The guys and the girls are really good. We'll have to do it again. Sorry. We'll do it again. Okay. I'll say it. Don't worry. So I have been training for Blank Canvas before, and it was so good to train the contestants yesterday because they're so smart. They know what they're doing. To teach them to pose and to walk the ramp was a real pleasure. I think it's going to be a very tough competition because they really are very, very good. So I do wish season 2 of OMG best of luck. Thank you. Thank you. That is an introduction. प्यार का पंचनामा 2 से लेके सोनू के टीटू की स्वीटी से लेके छना से लेके स्पेशल 26 से लेके और अब तू झूठी मैं मक्कार, मीट इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर विकी सिदाना जी जो आज हमारे ज्यूरी पैनल में है और ये हमारे सारे ज्यूरी पैनल्स के साथ आज जज करेंगे इस IP को और देखेंगे कौन सा फेस रियली टैलेंटेड है. थैंक यू विकी फॉर कमिंग हियर टुडे. सर, क्या क्वालिटी देख रहे हैं फेस ऑफ द ईयर OMG के सीजन 2 फेस ऑफ द ईयर? मैं आई थिंक सर को तब से जानता हूँ जब इन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा. यस, राइट. सो वहाँ से लेके यहाँ तक की जो जर्नी है इनकी, एक तो वो ही बहुत काबिले तारीफ है. फिर उसके बाद ऐसा कुछ खड़ा करना, यू नो, इट्स ए वेरी डिफरेंट. तो बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग. और द बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है. और सीज़न 1 भी बहुत अच्छा था. Now we come out with the season 2 and I think all the best sir. And thanks for but yes, agar OTT series or web series ke liye koi jana pehchana jisko एक ही नज़र से पता है कि क्या कंटेंट दिखाना चाहिए, तो नोबडी बेटर देन अंजलि रायना. अंजलि, आई लीव इट ऑन यू टू अनाउंस योर करंट प्लेस, पोजीशन, एवरीथिंग, बिकॉज आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म. हाय एवरीबॉडी. सो मैं पहले अतरंगी के साथ भी थी
and I know him since then. So now I've joined Epicon. Epicon is an OTT which is coming from Ishara Inten Group. They have Ishara, they have Nazara, they have DocuBay. I've joined them as a vice president, content and marketing. I'm looking after the entire originals. So yeah, Parimal, that's my current thing. So that's great to have her today, one of the jury members. And do you think that there will be some good faces which you would like to... Yes, so I've seen a bit of your trainings and everything. And you know, they have really got really good faces. I'm so excited to be part of this. And may the best win, Parimal. And I'm sure you must have trained them, so they must be really rocking. Yeah. Let's see. Yeah. Let the show begin. Thank you. IP को मैं बोलूँ कि यहाँ तक और सक्सेसफुली लाने का पूरा श्रेय जाता है टू द सेकेंड बेटर हाफ ऑफ माई लाइफ एंड दैट्स रिद्धि. शी इज़ द फाउंडर ऑफ ब्लैंक कैनवस मीडिया अलॉन्ग विद OMG फेस ऑफ द ईयर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ हियर टू गिव मी द मॉरल सपोर्ट एंड टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी. जहाँ पे बहुत सारे टाइम हम घर के बाहर रहते हैं एंड शी हैज़ टू मेक श्योर दैट आई एम वर्किंग एंड वर्किंग द राइट स्पिरिट्स. Thank you, Riddhi. Thank you. It's your all efforts. He is like all-rounder. वो फैमिली को भी उतना ही टाइम देते हैं और ऑफिस में भी उतना ही टाइम देते हैं. बैलेंस करके चलते हैं. He is perfect. Thank you. Yes. I need to introduce you all to the founder, director of our co-powered by partner, Symbio Protein Nutraceutics, jo ek bada brand hai in health supplements and basically for day-to-day life, having all the right necessary supplements to live your life. So Aditya believes that the youth actually needs a good dimension of having the right nutrition, right supplements, and that's the reason he's with OMG Face of the Year this year, as well as he's a part of the jury today. So Aditya, welcome to OMG Face of the Year. Thank you very much. So, some words about OMG. Till now, the journey has been really good for me. I've enjoyed every bit of it, and hopefully continue with working around with Parimal and the next OMG for next year again. Sure. Thank you, guys. Thank you, guys. So let me introduce you to the person who's been behind our complete hydration for the last couple of days. Agar duniya mein kahin pe bhi ek acche pani ki parakh ho, to there cannot be better than Kankro, which is India's first depleted water. And we're very happy the last 3 days, agar mere sare contestants energetic rahe, hydrated rahe, fully oxygenated rahe, aur unko pura time, agar humne dekha hai ki they've been so energetic, they have been only because of Kankro water. Thank you, Arsh, for giving us such a beautiful, such a nice product, which has been so good, and I'm personally in love with it. Thank you. How has been your association with OMG, and how did you find it going till here? It's amazing. I mean, it's such a great platform for the youth of the country, and secondly, it sits right well with our brand, where Kankro is supposed to be for the youth of the country in order to get fit and, you know, really be out there. Lovely. So we always want brands who think that youth is the next big thing, and Kankro believes in that, and we hope to have you year on year with every year or having OMG new talents coming up. Definitely. Thank you so much. Thank you. Thanks for the opportunity. My very good friend, I should say, and always supportive like a family, Aarti Singh, over to you. I will not speak much. As he said, he's our family. In Hindi mein bol sakte hain. And honestly, वैसे तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इजी होता है इंडस्ट्री में आ जाना. आई डोंट थिंक सो. बहुत स्ट्रगल होता है. आप चाहे जैसी भी फैमिली से बिलोंग करें, चाहे नामी फैमिली से करें, बट कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म देना और उनकी मदद करना, उनको ग्रूम करना, और ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग ये सपने लेकर आते हैं कि वो मुंबई आएँ और अपना टैलेंट दिखाएँ. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट परमल और ब्लैक कैनवस ने ये इनिशिएटिव लिया है और लोगों को
जरिया नहीं मिलता है और ये जरिया बने हैं एंड सो अमेजिंग एंड ही इज़ अ नाइस पर्सन. सो आई एम श्योर दे आर इन अ वेरी गुड हैंड्स एंड वो बहुत कुछ सीख के जाएंगे. एंड ऑनेस्टली मुझे किसी ने बीच में आपके ही उस पर कोई आया था एक ऑडिशन के लिए तो उसने मुझे पूछा था कोई वर्कशॉप के लिए. सो आई सेड ही इज़ अमेजिंग. आई एम एसोसिएटेड विद हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम. आई एम सो हैप्पी. हां एंड आई एम हैप्पी शी इज़ हियर टुडे. मैं जानना चाहेंगे मैं क्वेश्चन तो बहुत इजी करूँगी बिकॉज मुझे लगता है कि क्वेश्चन करके उनको नर्वस करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड बिकॉज वो अभी नए नए हैं वो आए हैं तो अभी वो टैलेंट पे ध्यान दे रादर देन हमारे क्वेश्चंस पे. सो दैट्स इट उनके ड्रीम्स के बारे में. ऑनेस्टली मैं फलक मेरी दोस्त है जब से फलक निकली है मैंने बिग बॉस नहीं देखा तो मुझे नहीं पता. मैं नहीं जीती ना मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन जीतता है कौन नहीं जीतता नहीं है. अगर इंडिया का सबसे बड़ा पेजेंट मिस्टर इंडिया जो आज 19वां एडिशन अभी ही खत्म हुआ है और इनके विनर्स इनके साथ है. आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस पंकज जी जो हमारे चेयरमैन भी है और डायरेक्टर भी है फॉर रूबरू मिस्टर इंडिया एंड टुडे ही इज अ पार्ट ऑफ द इवेंट वेयर ही इज ऑल्सो द जूरी. और यहाँ के भी हमारे फेस को एक वाई कार्ड एंट्री फाइनलिस्ट में मिल जाती है. सो पंकज योर एक्सपीरियंस एंड कमिंग ओवर फॉर ओएमजी. इट्स अ प्लेजर ऑलवेज टू बी अ पार्ट विद पनिमल एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट ऑलवेज ही गिव मी अ गुड टैलेंट विच गो एंड रिप्रेजेंट इंडिया. In past also Gokul and this all three talents are from Black Canvas. So yes. I'm very happy that they are a part of it. So thank you, Parin. You're thank a part you. Of this. Experience. Thanks for coming. Thanks. Have a great show, guys, and thank make sure you, that thank you love you, the show. Yes, thank you so much. My all youth who's now believing in taking the Ayurveda route, and for that we have from the founders at Ayurveda. Think Ayurveda is one of the brands is associated with ONG and he is Michael and my very close friend and family Mr. Shyam Patel who is the biggest backbone for me again for OMG. Welcome you both today for this mega event and how do you find the youth coming up today for the OMG Face of the Year Michael? Yeah, thank you so much Parimal. So this is an excellent and amazing program where we could able to get a great opportunity to expose what you are doing. So basically to, in a brief Think Ayurveda first is one of the India's first revolutionary doctor and patient consultation platform where we are bringing all the Ayurveda doctors together. So we want every patient to follow Ayurveda. So that are the parameters we have been following. And Shyam Bhai has been also supporting us in terms of marketing and taking us our product ahead. So we want to focus nationally and globally and reach out to every household to showcase the benefits of Ayurveda. So I want everybody to think Ayurveda first. Thank you so much for this opportunity. Thank you guys. Thank you. अगर आप इस सीजन की बात करें तो ये सीजन शुरू हुआ कहीं से सीजन वन से और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सीजन वन के जो मेरे प्यारे बच्चे थे जो आज इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारा काम कर रहे हैं अपने अपने तरीकों से. सो हियर्स टू माय विनर गोकुल गणेशन तितिक्षा टगर हु आर द विनर्स ऑफ लास्ट सीजन ओएमजी फेस ऑफ द ईयर एंड फर्स्ट रनर अप्स अनुष्का चौहान एंड सामर्थ्य गुप्ता from the OMG season 1 again the first runner up winners. So I am very happy to have you both of here and I'm a little emotional today because this connect is somewhere having a new beginning I should say. Nothing beats the debut season. Indeed. So kaisa lag raha hai aaj season 2 dekh ke? So fantastic and a bit emotional as well because we're all coming back after a long time. Absolutely. It's more like a reunion for us. Yeah. It's more like family reuniting again. Yes, again. It's a different feeling. And super excited to see the contestants. It's very nostalgic, you know. It's very nostalgic. Absolutely. All that, I don't know, I'm not even participating, but I still feel that nervousness. What's going to happen next? So. And yeah. I'm excited to see who takes the crown this year. Oh. Ajay. Yes, you'll definitely see me in varied acting shows. I've done one of the web series. The name of that web series is Arman. I'm starting the promotion this month only, so it's coming on vlog platforms.
So you'll definitely see him in varied acting shows. So I hope if you have seen Splits Villa diligently, I'm not much of a reality show guy. So that's why I stay away from reality shows. I'm much more into acting because my background is theater. So I'm going to opt acting shows lately. So, yes, I'll definitely think about it. But my major priority or major inclination is towards acting. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, everyone. Come, let's take a picture. Thank you. Where's Dabbu? I think ये मेरे दोस्त ऐसे हैं जिसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. विनर ऑफ वर्ल्ड डांस एंड ओनर ऑफ किंग्स यूनाइटेड, द बिगेस्ट डांस अकेडमी एंड अ वेरी क्लोज फ्रेंड, बिकॉज ब्लैंक कैनवस अकेडमी में भी इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट इन सीजन टू व्हेन वी हैव सो मेनी ज्यूरी मेंबर्स, ही इज बीन अ पार्ट ऑफ इट एंड एक्सेप्टेड इन स्पेशली कैंसल्ड दिस ट्रिप बिकॉज ऑफ दिस आईपी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. यस डेफिनेटली. I think सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट परिमल फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड इट्स लाइक अ टैलेंट हंट जो ऑल ओवर पूरे इंडिया से आ रहे हैं. तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, एक तो होता है परफेक्ट एंटरटेनर होना चाहिए, एक परफॉर्मर होना चाहिए. एंड जब भी स्टेज पे कोई जाता है तो एक वाइब से ही पता चल जाता है कि ही और शी इज़ अ विनर और नॉट. तो वही चीज़ मुझे देख कर पहचान में आ जाती है. तो दैट्स वॉट आई एम लुकिंग फॉर. हाय, मैं हूँ निवेदिता बासु, अतरंगी टीवी एंड ओटीटी की वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट स्ट्रेटजी एंड बिजनेस अलायंसेस. ओएमजी सीज़न टू में आके मुझे बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट मैंने इसके बारे में पढ़ा था बिफोर कमिंग फॉर दिस सीज़न. इनफैक्ट इसीलिए हमने ओएमजी को अपने प्लेटफॉर्म में एज अ टेलीकास्ट पार्टनर लिया है. एंड हमेशा न्यू टैलेंट हम लोग लुकआउट में रहते हैं, वेदर इट इज़ एक्टिंग, वेदर इट इज़ फैशन, वेदर इट इज़ रियलिटी शोज़. एंड यहाँ के ऑब्वियसली हमें लगा कि हम न्यू टैलेंट को सोर्स कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ पैजेंट, इट्स ऑल्सो अ टैलेंट शो. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी अ लॉट ऑफ दीज किड्स इन द फ्यूचर इन आर कमिंग शोज एंड बिकमिंग बिग सेलिब्रिटीज. सीजन टू में सबसे अच्छा चीज़ आपको क्या लगा? और सीजन टू, थ्री, फोर, फाइव क्या आप करेंगे, क्या आप चाहेंगे? सीज़न टू में सबसे अच्छा ये था कि ये ग्राउंड इवेंट है और वर्चुअल इवेंट नहीं है, क्योंकि शायद पहला इवेंट हम लोगों ने वर्चुअल करा था. और फैशन एक ऐसी चीज़ है जो वर्चुअली शायद उतनी अपीलिंग ना हो जितना इन पर्सन हो. तभी हम लोग शायद सब फैशन वीक्स और इसके लिए हम लोग लाइव जाना चाहते हैं. वी डोंट लाइक टू सी इट जस्ट ऑन आवर फोन्स एंड टेलीविजन. एंड ऑब्वियसली आई विश परिमल द वेरी बेस्ट दैट ही कैन टेक दिस प्रॉपर्टी अहेड एंड डू मल्टीपल सीजन्स. एंड ही ऑल्सो रन्स एन अकेडमी फॉर मॉडल्स एंड ही टोल्ड मी इट्स ऑल्सो द नंबर वन अकेडमी इन इंडिया, विच इज़ अ ग्रेट ग्रेट फीट एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. वेल, सीजन टू की जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग रही है. हर दिन हमने नया कुछ नया नया करा है. और स्पेशली आई वांट टू थैंक परिमल सर, बिकॉज उनकी गाइडेंस के थ्रू ही हम आज जीत पाए हैं. इस बार बहुत ही मज़ा आया था. जितने हम लोग थके हुए थे उतना ही हमने मज़ा किया. और इस बार बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा. इस इवेंट में आपको आपने क्या सीखा और आपको इस जीत में करना चाहिए? वेल, इस इवेंट में हमने ये सीखा है कि सबसे इफ़ यू वांट टू विन, बी ऑनेस्ट, ऑथेंटिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. हमने ये सीखा है कि टैलेंट बहुत मैटर करता है और टैलेंट के बेसिस पे ही इतने टॉप 10 आउट ऑफ 3 लैक्स डिसाइड हुए. आई थिंक ऑल ऑफ देम आर विनर्स. एंड या, हमारे दर्शकों को और संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग ये देख रहे हैं, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. और जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, कॉन्फिडेंटली करें, आगे बढ़े. टेक स्मॉल स्टेप्स डेली, बट डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव इट. OMG जैसा प्लेटफॉर्म जो डिजिटली है वो अभी कोई भी पैजेंट नहीं कर रहा है. एंड आई थिंक यू शुड ऑल कम हियर एंड एंजॉय दिस जस्ट एज वी एंजॉयड इट. और बहुत मज़ा आएगा गाइज. और ड्रीम्स हमेशा फॉलो कीजिए. थैंक यू. आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल. मेरी जर्नी जो रही है, इट स्टार्टेड डिजिटली एंड आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कम डाउन टू मुंबई एंड देन मीट ऑल दीज ब्यूटिफुल पीपल दैट आई हैव मेट हियर. एंड आई थिंक आई एम नथिंग बट ग्रेटफुल एंड सैटिस्फाइड विद माई जर्नी एट OMG सीजन 2.
Absolutely, as Vidhi said, it is a great feeling, and the support system is very good from Parimal sir and the entire team of OMG. Main bahut shukrgozar hu unka. Unhone sab kuch hame sikhaya from the scratch, how to walk the ramp, attitude kaisa hona chahiye, aur model ko hamesha hard working hona chahiye, time pe aana chahiye, discipline hona chahiye. Bahut kuch sikha hum logon ne, and we are just grateful ki hame ye opportunity diya gaya. And absolutely, we are thrilled and extremely excited. Thank you. So I'm really feeling happy. I've come long way from Chennai. It's been a really great journey. We have done lots of tasks, and among lots of participants, more than 3 lakh participants, the top 20 were selected, and we were given so much respect, and we were treated so well here. And I hope we'll be working more, and I hope the talent will get spotted in each part of India. Thank you. Jeet ke bahut khushi ho rahi hai aaj. Itne sare contestants mein se we are the 6 winners now. Bahut khushi ho rahi hai, bahut proud feel ho raha hai, parents ko bahut proud feel kara raha hai. And that's it. Thank you. हर चीज के पीछे एक आवाज काम करता है, या किसी का मान होगा छोटी जगह होता है, या आत्मविश्वास होता है, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए आपको, और प्रोत्साहित किया चाहिए, किस तरीके से भाग लेना चाहिए, या जीत के पीछे बाहर निकाल रखना चाहिए. Actually, there will be a person for each of the victory, but I feel the person's confidence speaks a lot. Only if the person is confident, he can achieve something, he can move towards the success. So I personally feel it's only my confidence which brought me here. So that's all.